फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, इसमें जो है कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। तो फ्रेंड, आप लोग जो है न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जो है यहाँ इसको डॉग को कोरोना हो गया, यहाँ कैट को कोरोना हो गया। हेलो फ्रेंड, मैं आपका डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर पेट्स। फ्रेंड, जर्मनी में एक केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पे एक जो है कैट ओनर को जो है ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव थी वो, और बाद में क्या हुआ, उसके जो है कैट को भी जो है कोरोना हो गया। ऐसे ही न्यूज जो है आप जो है डॉग में भी सुने होंगे, फ्रांस में ऐसा केस हुआ। इसके अलावा जो है बहुत सारे जू एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर्स, इन सब में जो है कोरोना के इन्फेक्शन के बारे में आपने सुना होगा। तो फ्रेंड, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हैदराबाद के एक जू जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पे 8 जो है लायन जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे जो है 8 लायन जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बहुत सारे पेट ओनर जो रहते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पेट्स को भी जो है कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रेंड, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पेट्स को भी कोरोना हो सकता है, अगर पेट्स में हो गया तो क्या ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फ्रेंड, इन सभी सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपके घर में कोई जो है कोरोना पॉजिटिव है तो उनकी वजह से जो है अगर आपके घर में कोई पेट्स है तो उसको होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि जो है ये जो है हमेशा ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसका वाइसी वर्सा, यानी आपके पास कोई पेट्स है जिसको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है तो उससे जो है ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसका कोई भी जो है अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, यहाँ तक कि WHO की रिपोर्ट में भी ये नहीं कहा गया है। लेकिन फ्रेंड, आपको बता दूं कि नेचुरली जो है डॉग या कैट में जो है अपने आप से जो है कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, वो जब भी फैलेगा तो ह्यूमन से ही जो है पेट्स में फैलेगा। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो लायन जो है हैदराबाद में इतने सारे केस जो है कोरोना के पॉजिटिव पाए गए वो ह्यूमन की वजह से ही उनमें ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, जैसे अगर कोई मान लो विजिटर्स गया हो उसकी वजह से हो सकता है, या तो जो उसको खिलाने पिलाने वाले होते हैं लायन को उनकी वजह से फैल सकता है। तो फ्रेंड, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, मान लो अगर फैमिली मेंबर में कोई जो है कोरोना पॉजिटिव है और उस फैमिली मेंबर में कोई जो है पेट्स है तो उसका क्या करें। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, और जो भी जो है आप रूटीन वर्क करते थे पेट्स के लिए, जो भी डॉग कैट है आपके पास, तो उसका रूटीन वर्क जैसे उसको खाना देना, पानी देना, उसको नहलाना और उसको जो है और वॉकिंग पे ले जाना, ये सब काम जो है आप खुद ना करें और किसी और फैमिली मेंबर को करने दीजिए। कुछ दिन जो है आप उससे दूर ही रहिए। सपोज़ करिए फ्रेंड, अगर आपको ही ये सभी काम करना पड़ रहा है तो फ्रेंड क्या करिए, आप जो है हमेशा मास्क का यूज़ करिए, क्योंकि ये क्या होता है फोमाइट से या आपको स्नीजिंग कफिंग होती है उसकी वजह से भी पेट्स को इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड, आप अपने डॉग या कैट को जो है किसी और लोगों के साथ इंटरेक्ट ना होने दें, क्योंकि जो है होता क्या है, आपको ये पता नहीं होता है कि कौन जो है कोरोना पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो क्योंकि ये जो है ह्यूमन से जो है एनिमल में फैल सकता है जैसा कि मैंने पहले बताया, तो आप जो है ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत होने चाहिए अपने पेट्स। फ्रेंड, आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि अगर मान लो अगर आपके पेट्स में हो गया तो उसके क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी तक जो रिपोर्ट किया गया है बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं, स्पेशली जैसे कफ हो सकता है, उसको स्नीजिंग आ सकता है, और उसको जो है आपके पेट्स को जो है फीवर आ सकता है। तो ये सभी नॉर्मल सिम्टम होते हैं जो अपने आप कुछ दिन बाद रिकवर हो जाते हैं। बहुत सारे पेट्स ओनर इन सब की वजह से डर से, मतलब कि एनिमल से भी जो है ह्यूमन में फैल सकता है, तो अपने पेट्स को क्या है वो बाहर छोड़ देते हैं हमेशा के लिए, कि मतलब वो जो है रखना ही नहीं चाहते पेट्स को। तो फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो है ये पेट्स जो है ह्यूमन में नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। फ्रेंड, जैसा कि आज के इस न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमेशा ह्यूमन से एनिमल में हुआ है, लेकिन एनिमल से ह्यूमन में इन्फेक्शन नहीं होता है। और फ्रेंड, मेरा अगला सुझाव ये है कि अपने पेट्स को जो है रेगुलर जो है उसका क्लीनिंग करते रहिए, उसको जो है रेगुलर बाथिंग कराते रहिए। तो फ्रेंड, अगली बात आपको ध्यान देना है कि जैसे हम लोगों को जब कोरोना से बचना रहता है तो हम लोग मास्क यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पेट्स में मास्क यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है उनका बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो पैंटिंग के द्वारा होता है। पैंटिंग मतलब क्या होता है, वो मुँह खोल के जो है और जीभ बाहर निकाल के ही जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मास्क लगा देंगे तो उनकी ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तो इससे उनको क्या होगा, उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने की संभावना हो जाती है और उनका बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ सकता है। तो फ्रेंड, ऐसा आपको नहीं करना है, कभी भी अपने पेट्स को जो है मास्क यूज़ नहीं कराना है। तो फ्रेंड, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी फ्रेंड, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड, आप जो है अपने घर पे रहिए, अगर जो है अगर आपको कोई ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलिए, और हमेशा जो है मास्क का यूज़ करिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। फ्रेंड, आप लोग जो है हमेशा हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभकामनाएं के साथ जो है हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।